All right, to the both of you, how would you describe the stay that you've had at the Big Boss house? Stay was amazing, बहुत जबरदस्त stay था और बहुत ज्यादा एक तजुर्बे जिंदगी का तजुर्बा लेके हम बिग बॉस के घर में गए थे और उससे ज्यादा तजुर्बा बिग बॉस के घर ने हमें दिया. तो स्टे वॉज लाइक हर रोज एक नया दिन था, नए चेहरे थे, नए लोग थे, तो ऐसा स्टे किसी को ना मिले भाई. आई थिंक इफ आई हैव टू डिस्क्राइब द स्टे इन वन वर्ड आई वुड कॉल इट चैलेंजिंग, वेरी वेरी चैलेंजिंग. यू जस्ट सॉ द विनिंग मोमेंट, सो हाउ विल यू डिस्क्राइब दैट थिंग? ओ, मेरे हिसाब से यू नो वो जो मोमेंट होता है ना जहाँ पे विनर अनाउंस होता है वो बहुत ही ज्यादा खास होता है. एंड आई कैन सो इमेजिन दैट यू नो दैट मोमेंट वुड बी लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि हम इतना ग्रिलिंग और इतना मुश्किलों से गुजरते हैं ना पूरा हमारे स्टे में, कि मतलब ये सीजन तो खास करके सबसे लंबा रहा. 4.5 महीने के बाद ये जो खुशी मिलती है, आई थिंक इट इन इट सेल्फ इज अ ह्यूज थिंग. और हमको फाइनलिस्ट होके इतना खुश, चैंपियंस हैं, वी फील लगता है ऐसा, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता है. दोनों साथ में बोलते हैं ना, क्या बात है, ऐसे भी हम दोनों एक दूसरे को बोलने देते. मुझे भी ये लगता है कि हम सब जो पांच वहां पर थे और हमने जो आखिरी डिनर लिया था उस वक्त हमने सबने टोस्ट किया था और कहा था कि देखिए विनर तो कोई भी एक होगा, लेकिन क्योंकि हम पांचों यहां पर हैं और पांचों पौने चार महीने वहां पर रहे हैं और कंधे से कंधे मिलाकर रहे हैं, तो हम सब चैंपियंस हैं, हम सब विनर्स हैं. एक्चुअली वो ट्रॉफी उठाना तो एक फॉर्मेलिटी के जैसा हो जाता है, लेकिन फिर भी जिसके साथ होता है आई थिंक इट्स अ ड्रीम कम. मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट इन दिस सीजन फॉर यू? आई थिंक द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट वॉज टू डील विद माई ओन इमोशनल साइड, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के बहुत ही एक मुश्किल दौर से वैसे ही गुजर रही थी और मैंने फिर भी ये शो एक चैलेंज की तरह से लिया है. And to deal with all that and overcome and come out with flying colors was itself a victory for me. Did you just say that it was just a formality the finale ka hai, lekin aapko sabhi log finalists the, lekin finale ke ek din pehle ghar se bahar nikalna kahin na kahin lagta hai ki wo thoda sa kahin na kahin inhone nahi, mujhe bilkul bhi nahi laga ki ek din pehle nikalna. Actually ek din nahi, finale ke din hi nikle hum log, finale ke din hi nikle, lekin ye hai ki ye log रात में आए, हम पहले आए, ये लोग एक दिन वो आए, फिनाले के दिन नॉकआउट में निकल जाना जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए लग रहा होगा कि हमें बुरा लग रहा है. ट्रस्ट मी, बिल्कुल भी हमें बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए खास करके जो सफर था वो बहुत ही मुश्किल से शुरू हुआ, क्योंकि हम बाद में आए वाइल्ड कार्ड से हम वाइल्डेस्ट कार्ड थे. और एक जगह बनाने के लिए हमारी जो जर्नी शुरू हुई, जो सफर शुरू हुई, फुल ऑफ सफरेंसेस थे. एंड इवेंचुअली बड़े बड़े दिग्गजों को हम घर से बाहर करते हुए यही बहुत बड़ी बात है. और चैंपियन का लकब मिला यार हमें. Exactly. एक तो होता है कि फाइनल तक पहुंच के लोग आते हैं चले आते हैं, लेकिन एक होता है कि आपको एक पहचान दी जाती है, एक लकब दी जाता है कि आप फेबुलस फाइव हैं, आप चैंपियंस हैं, आप पांच फाइनलिस्ट हैं, और उसके बाद में फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकेंड, यू नो ये विनर जस्ट अ फॉर्मैलिटी. इज अ फॉर्मैलिटी. जनता ने उतना ही प्यार दिया, बस यही है, किसी को 100 दिया, किसी को 90 दिया, किसी को 80 दिया, लेकिन दिया जनता ने सबको प्यार. ये तो गारंटी है भाई. जनता सलाम अलैकुम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. डिम्पी, आपको लगता है कि जनता ने इस बार राहुल से ज्यादा आपको प्यार दिया? सब डिम्पी को लगता है, मुझे कुछ नहीं लगता है. डिम्पी आपको लगता है? मेरी मदद खा ली, अल्लाह का करम है, मेरे से पहले की बात, मुझे बाहर लग गई, देखा तुझे बाहर निकाल के गई, बचा लिया उसने. आपको लगता है कि डिम्पी ने ज्यादा फुटेज खाने राहुल से? डिम्पी ने, अब मैं बताता हूँ, इससे बाहर लगूंगा मैं, उसके बाद राहुल के नाम प्लीज लेट लेट ना, तुम्हें हंसते हंसते पुआ आ जाएगा, दौरा पड़ जाएगा, जवाब दूंगा मैं. इस बार जाहिर सी बात है कि घर में मैं राहुल से ज्यादा वक्त तक रही जी, तो जनता ने मुझे डेफिनेटली ज्यादा पसंद किया. और कैसे न करती हर फ्रेम में डिम्पी जी, सीनियो इधर इनके लड़ा, इधर ही जो डिम्पी जी, हाँ हाँ ठीक है, जिससे लड़ा रही उसके पास बैठे, हाँ हाँ ठीक है, जिससे लेना देना नहीं उसको बता रही है, हाँ ऐसे ऐसे वो, और उसके बाद फिर मुझे बता रही आके, हाँ हाँ हाँ. और फिर जब मैं सबको जाके बता रहा हूँ, सब कह रहा है स्टोरी पुरानी होगी, बीबीसी लंदन आई थी अभी, उन्होंने सबको न्यूज
दे दिए, हर प्रेम में डिम्पी, हर इमोशन में डिम्पी। डिम्पी ने आपका भी तो ख्याल रखा, आपको बताया डिम्पी ने साथ आए हैं बाहर, आप कितना मिस करने वाले डिम्पी को। मैं डिम्पी को बहुत ज्यादा मिस करूंगा। ये क्या होता है कि हम लोग जो थे, हमारा टॉम एंड जेरी वाला था, मतलब मैं पीछे पीछे भागता था, लकड़ी लेके बैठी, वो टॉम एंड जेरी में टॉम गिर जाता है, फिर टॉम जो है उसको पटाता है, जैसे वो आपने देखा होगा वो लकड़ी वाला टास्क, मैंने उसको पटाया, मैंने बोला मैं तुझे 5 दूंगा, तो इसके पास में 3 थी, बोले ओके मैं अपने 3 दूंगा, ऑलरेडी मैंने प्रीतम से सेटिंग कर ली, पहले उस्ताद फंस गया, फंस गया, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ चेस, और चेस करते करते अली कुली जो है, मैं जैसे बाहर आई, इसको लगा कुछ इंटरेस्टिंग सा होगा, बाहर आ गया। मेरा सिर्फ ये था क्योंकि पूरे घर के अंदर पूरे घर के अंदर जितने भी कंटेस्टेंट थे वो अपना गेम जो था बहुत बहुत सेफली खेल रहे थे, हम लोग क्योंकि वाइल्ड थे तो हम लोग हमेशा इजी टारगेट थे, हमें कोई ना कोई कहने के टारगेट कर रहा था, जब मुझे तो रियलाइज होता था यार डिम्पी के नाम पे बिल पड़ गया, डिम्पी को रियलाइज होता, तो हम दोनों एंड ऑफ द डे जो है थॉट शेयर करते थे, और हम सोने से पहले वो मतलब बडीज बन जाते थे, फिर अगले दिन अलग लड़ाई में अलग मुद्दे लेके हम लोग आते थे। No, I cannot be possibly engaged to somebody else because I'm still married. I have not gone through the whole process of divorce, so I'm not engaged to anybody. जहाँ तक मेरे और राहुल के बीच में relationship का सवाल है, we started off this relationship with a friendship. When we were married, we were still friends. Right now, we have decided to move on with our lives, but we will be friends and you know, touch wood to that. Yeah, and that's really a great friendship. You know what I mean? हम लोग भी हमेशा दोस्त रहेंगे, बस गौरी से ना पिटू में, बाकी तो सब ठीक है, और हम लोग बहुत खुश हैं। पूछा ही नहीं तू। मैं तो बताऊँ। ना पूछे। मैं actually you actually want to take your friendship to another level with her. या अगर मैं अनदर लेवल पे ले गया ना, जो मेरे साथ में जो मेरी मेरी फियांसे जो है वो ब्लैक बेल्ट है और मार्शल आर्ट में 5'10" है, उन्होंने 2-3 बार आपने सुना भी, और टेम्पल मेरे यहाँ पे किक मारिए उड़ गए, तो मुझे अगर इस दुनिया में रहना है तो मुझे बहुत लॉयल बन के रहना होगा। बच्चों आप भी लॉयल रहिए और जी दोस्ती भी रखिए। बिग बॉस के घर में किसी से आपके अच्छी से बनी किसी से नहीं बनी, तो एक एक करके जानना चाहूंगा कौन आपके लिए एंजल है और कौन आपके लिए डेविल था। मेरे लिए देखिए ऐसा है कि मैं सबके लिए डेविल था और सबके लिए एंजल था, ऐसा वक्त आता था कि हमारे लिए कौन एंजल। हाँ मैं वही बता रही हूँ, तुझे ज्यादा सुन लिया है तो मेरे लिए जो वक्त वक्त के सिचुएशन के हिसाब से कभी प्रणीत मेरे लिए एंजल हो जाता था, तो वही प्रणीत मेरे लिए डेविल भी हो जाता था, प्रीतम मेरे लिए एंजल हुआ, मेरे लिए डिम्पी डेविल एंजल भूत प्रेत ये भी सब रही है। तो मतलब इस घर में क्या है कि हर कोई कभी ना कभी कोई रूप बदलता था, और चाहे उसमें कोई भी हो, एक दिन हम सब एक आदमी के साथ लड़ते थे और उसे बचाते थे, अगले दिन सबके सब मिलकर उसे गड्ढे में गिरा देते थे, मतलब ये हर रोज एक चैलेंज था, टास्क में आने के बाद में सब बदल जाते थे। वही एक दोस्त था उसका, और वही अब उसके लिए लड़ रहा है मर रहा है, तो बिग बॉस के हाउस में हम लोगों के लिए इतना चैलेंज था यार, आप लोग को बताऊं मैं समझता था कि हर दिन बने और बिगड़े, मतलब इजी नहीं यार, 4 महीने भाई कोई घड़ी नहीं कोई वो नहीं, दाल 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 मेथी आलू दाल 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 मेथी मेथी आलू दाल दाल चावल सूखे सूखे चावल चावल दाल 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 मेथी आलू। नॉनवेज तो मिला ही मेरा, मैं स्टैमिना हवा से लेता हूँ, ऐसे लेता हूँ। और जब लोग भी घर वालों भी बात करना छोड़ देते तब जाके कैमरा से बात करते थे, इनको अगर बिग बॉस के घर में रख दो ना तो कोई प्रॉब्लम इनको नहीं, अकेले भी रह लेगा। हाँ रह लूंगा। अब एजाज से दोस्ती हो गई आपकी? देखो ऐसा है, एजाज से दोस्ती तो मेरी पहले भी थी, लेकिन एजाज क्या है कि जो कैमरे के पीछे कुछ और है, कैमरा जैसे होता है और फोन आ रहा जा रहा वैसे हो जाते हैं, लेकिन एजाज अच्छे इंसान, और जो भी हुआ बिग बॉस के घर में जैसी भी चीजें हुई हैं वो एक गेम शो के अंदर हुई, और सब वहाँ पे कंटेस्टेंट थे तो सब अपना अपना गेम खेल रहे थे, तो बहुत सी बार क्या होता है कि क्योंकि यहाँ पर बिग बॉस के घर में एग्रेसिव हो नहीं सकते, तो एग्रेसिव ना होके डिफेंसिव होके मैं बहुत बार खेला हूँ, बल्कि 80% खेला हूँ, रियल लाइफ में जो मैं इतना एग्रेसिव हूँ तो मैंने पहली बार जिंदगी में डिफेंस मोड लिया, और डिफेंस मोड जो लिया और जो सब्र लिया तो मुझे बहुत मजा आया उसमें, और इंशाल्लाह रियल लाइफ में मैं सब्र का ही
दामन पकड़ के चलूंगा क्योंकि कामयाबी उसी में, इसीलिए तो चैंपियन बने। गौतम के लिए क्या कहेंगे वो विनर बने हैं? गौतम जो है उनकी उनकी पर्सनैलिटी, उनका हाव भाव, उनका स्टाइल हमेशा से अच्छा था, और उनका बहस करना भरी वो ठीक हो या ना हो, उनका अपना एक अलग ही वो भारतीय अपनी चाल चल रहा है वैसा लेवल था। और साथ में रहे तो यार जाहिर सी बात है कि इतना टाइम साथ में गुजारा है तो बहुत खुश हूं मैं गौतम के लिए, और गौतम की जगह करिश्मा भी होती तो उनके लिए मैं बहुत खुश होता, तो बहुत अच्छी बात है। और कोई ना कोई तो जीतना था, गौतम ने बहुत अच्छा किया, डिजर्व किया जीतने के लिए, तो मैं उनके लिए बहुत खुश हूं। और अपने लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने हिंदुस्तान को एंटरटेन किया है, सबको हंसाया है जोकर बन के, आप लोग भी मैं मुस्कुराहटे देख सकता हूं पीछे, तो मेरे लिए मेरी वो जीत है। तो हर कोई कहीं ना कहीं जीता है उस पर, डिम्पी अपने लेवल पे जीती है, करिश्मा अपने लेवल पे जीती है, यू नो प्रीतम अपने लेवल पे जीता है, तो सबकी जीत है। तो और एंड ऑफ द डे जनता की जीत है जो हम यहां तक लेके आई, और आप लोगों की जीत है जो हमें वहां तक लेके जा रहे हैं। मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, और डेफिनेटली जनता ने सबसे ज्यादा उनको प्यार किया है, पसंद किया है, तो जाहिर सी बात है उनका जितना बनता है इतना तो बनता ही है बॉस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ये कब आएगा भाई बता देना कब क्या, अभी सबसे बड़ी इसको बता दो, तीन साल पहले आपने कोई बात बोली, तीन साल पहले आपने एक बात बोली शाम के 7 बजे, कौन से मिनट में इसको याद है, कौन सा पैराग्राफ, कौन सा वर्ड उसको हाथी की मेमोरी, हाँ हाथी की मेमो, वही मेमो।